क्या आप अपने चेहरे पे मौजूद ताली, दाग, धब्बे, झायों को दूर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप अपने चेहरे को गोरा बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके मदद से आप अपने चेहरे की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप बेहद गोरी और निखरी त्वचा पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो को दिखाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी उसे दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला चीज़ हमें चाहिए वो है पपया जेल। तो ये मैंने 2 छोटे चम्मच पपया जेल लिया है। अगर आपके पास पपया जेल नहीं है तो आप फ्रेश पपया ले सकते हैं। इसको आप मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर दीजिए ताकि आपको एक पेस्ट मिले। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है शहद। तो इसमें मैं लगभग 1 छोटा चम्मच शहद मिलाऊंगी। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है कच्चा दूध। अगर आपकी स्किन ऑयली, एक्ने प्रोन है तो आप दूध को स्किप कर सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी, 1/2 चम्मच इतना। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल, जो कि चंदन का तेल। ये बहुत ही पावरफुल ऑयल है आपके चेहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए और चेहरे के रंग को साफ और गोरा बनाने के लिए। तो इसमें मैं लगभग 3 बूंद ये सैंडलवुड एसेंशियल ऑयल मिलाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें जो फाइनल इंग्रेडिएंट मैं मिलाऊंगी वो है आलू का रस। तो आपको एक छोटा आलू चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस आलू को ग्रेट कर दूंगी। ग्रेट करने से पहले आप आलू को अच्छी तरह से धो दीजिए। अपने रंग को साफ करना चाहते हैं और चेहरे को बेहद गोरा बनाना चाहते हैं और दाग धब्बों को दूर करना चाहते हैं तो आलू बहुत ही एक असरदार नुस्खा है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छी तरह से ग्रेट करने के बाद इसका रस मैं इस तरह से निकाल दूंगी। देखिए, ऐसे आप हाथ में पकड़िए और इस तरह से निचोड़ दीजिए। तो इसमें मैं अभी 1 बड़ा चम्मच ये आलू का रस डाल दूंगी। तो आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो इस जेल मास्क को लगाने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से गुलाब जल से पोंछ दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से लीजिए और एक थिक लेयर इस तरह से लगाइए। देखिए, भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसे लगाने के बाद आप छोड़ दीजिए 20 से 30 मिनट के लिए। देख सकते हैं कि पूरी तरह से सूख गया है। अब इसे मैं ठंडे पानी से धो दूंगी। तो इस तरह से ऐसे रब करके आप इसे ठंडे पानी से धो दीजिए। इसे लगाने के बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और फेयर लग रही है। तो इसे लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके चेहरे को मॉइस्चराइज़ भी कर देगा। ये देखिए, 1 बार आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसे ट्राई कीजिए और मेरे साथ आपका रिजल्ट शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले से और भी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।